करणी सेना संगठन के विस्तार के लिए जल्द ही बड़ी बैठक आयोजित करने जा रही है। इस बैठक में रिटायर्ड आर्मी और पुलिस के अफसरों की कोर कमेटी बनाई जाएगी। 25 सितंबर को यह बैठक आयोजित की जाएगी। देश और प्रदेश भर में चल रही बुराइयों के खिलाफ किस तरह से रणनीति बनाकर निपटा जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। समाज के अन्य वर्गों को साथ में जोड़कर इस पर काम किया जाएगा। नए सिरे से समिति का गठन करने की तैयारियां चल रही है। वहीं करणी सेना के साथ साथ तमाम संगठन भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हम श्री राजपूत करणी सेना मोल, श्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह चौहान व हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल रिटायर्ड श्री तेजपाल सिंह रावत के नेतृत्व में 25 सितंबर दिन रविवार कल का दिन बीच में परसों हमारा एक नर्मदी भवन में सैनिक प्रकोष्ठ की बैठक प्रदेश स्तरीय का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम आगे रिटायर्ड सैनिक और रिटायर्ड पुलिस प्रशासन अधिकारियों को लेकर एक नया गठन कर रहे हैं, जो कि लगातार समाज या देश में जो भी बुराइयां होगी उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। उसका विधिवत कैसे आगे हम बढ़ाया जाए उसको, और इस बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि इसको कैसे विस्तार कर आगे विस्तार किया जाए। इसमें समाज के लोग हैं और इसमें संगठन सारे हमने आमंत्रित किए हैं। राजपूत समाज के जो भी संगठन हैं उनको सभी को आमंत्रित किया है, परंतु ये शुद्ध रूप से श्री राजपूत करणी सेना मूल का कार्यक्रम है। देखिए, चुनावों को लेकर हमारी रणनीति अभी है नहीं। हम तो हमारी रणनीति कई बार हम समय और परिस्थितियों के हिसाब से बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम आगे काम करते हैं। यदि सरकारें हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर 25 दिसंबर को भोपाल में एक जन आंदोलन है हमारा राष्ट्रव्यापी, उस आधार पर हम सरकारों से मांग करेंगे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, एट्रोसिटी एक्ट समाप्त हो, ऐसे कई मुद्दे और भी होंगे हमारे। यदि इन मांगों को सरकारों ने नहीं माना तो हम उनका विरोध करेंगे।